guys, assalamu alaikum, welcome back to SBK Vlogs. आज हम फिर से आए हैं दुबई एक्सपो 2020. As you can see, यहाँ पे थर्सडे है आज और थर्सडे होने की वजह से सभी को छुट्टी है ईद मिलादुन्नबी की. तो पूरा यूएई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आ चुका है. सुबह के अभी 11 ही बजे हुए हैं और हम लोग अभी फिलहाल जाने वाले हैं अलिफ पेविलियन की तरफ, जो कि हमें सबसे पास दिख रहा है. हम लोग मोबिलिटी पेविलियन से एंटर किए हैं आज. सो चलते हैं पहले अलिफ पेविलियन में. Stay here, please. Out of the way. सीन का है, जहाँ भी अंधेरा दिखता है डरने लग जाती है. डर डर के मेरे पास आके बैठी है. वैसे तो हमने स्ट्रोलर और अफशीन के लिए अफशीन की छोटी कार भी लाए हैं, बट अफशीन को उनमें बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो बार बार मेरे पास ही आ जा रही है कूद कूद के. यहाँ पे जो भी स्टैचूज बनाए गए हैं एकदम रियल लग रहे हैं. तो बिनेश ने तो देख के ऐसा लग रहा था, बिनेश को मुझे पूछ रही है ये रियल है या फेक है. मैंने कहा ये फेक है. बिनिश कैसा लगा तुमको अलिफ में? अच्छा था. और बच्चों ने क्या किया तुम्हारे साथ? मोदी में आना था तो thank you.
अभी अभी हम अलीफ पेविलियन से बाहर आए ही हैं कि बच्चों ने सताना स्टार्ट कर दिया है। अंदर भी बहुत सताया है। इन लोगों के लिए हम लोग स्ट्रोलर लाए हैं, कार लाए हैं बैठने के लिए, लेकिन उसमें नहीं बैठना है इन लोगों को, गोदी में बैठना है और मस्ती करना है और चिल्लाना है बस। अब सीन को देखो, बेचारी प्यासी है, पानी पी रही है, और कबीर तो पता नहीं आज कौन सी धुन में अपने ढक्कन वक्कन सब खा रहे हैं। कबीर गंदा बच्चा होते जा रहा है और अभी थोड़ी भूख भी लग गई है, तो कुछ खाते हैं, देखते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। क्या बिजनेस, क्या कह रही हो? हाँ, आज हम लोगों ने पूरा प्लान आउट करके आए थे कि मैप मतलब हमारे पास था, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, यूए की बुकिंग वगैरह करेंगे, एंड इतना बड़ा हमारा पचका हो गया। सच में मुझे लगा सस्टेनेबिलिटी पे उतरेंगे, हम उतरे मोबिलिटी पे। मोबिलिटी पे आकर देखे इतनी भीड़ है, हर जगह इतनी भीड़ है, मतलब हर जगह क्यू है। अब कई कई है ऑप्शन स्मार्ट क्यू के कि तुम स्किप कर सकते हो क्यू, बस वो बुक करना पड़ता है ऐप पे। अब हम गए पहले अलिफ में, तो वो कहते हैं, हम लोगों ने बुक किया, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे तो अभी फिलहाल के लिए बंद है, अभी फिलहाल चल रहा नहीं। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ। शाहनवाज ने फिर भी कैसे वैसे करके दूसरे बंदे से पूछ के फिर उसने स्किप करा दिया। क्यों? क्योंकि बस वो ऐप पे बुक था इसलिए। आप सोचे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्योंकि उसके सामने ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रात का टाइमिंग मिल रहा है, मतलब यार इतना दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा क्यों आया। क्योंकि बस इसलिए गर्दी बहुत है। अगर आप लोग आ रहे हो तो ट्राई करो वीकडे में आने का, छुट्टियों के दिन ना आए। आज छुट्टी है सबको, इसलिए सब यहीं आ गए। आज सबके साथ हम भी आ गए, और हमारे पीछे जो देख रहे हो आप, ये ऑस्ट्रेलियन पेविलियन है। देखते हैं कुछ खा पी के वहाँ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ऑस्ट्रेलियन पेविलियन भी मौका मिलता है अंदर जाने का या नहीं। क्यू तो काफ़ी लंबी नज़र आ रही है, तो देखते हैं अगर वहाँ पे भी स्किप कर पाते हैं क्यू को तो ठीक है, अदरवाइज कोई और छोटा पेविलियन जाते हैं। हम लोगों ने प्लान आउट किया था, हम जाने वाले थे कहाँ, अपॉर्चुनिटी पवेलियन में, पर हम सोचे पहले उतरे पर ट्रेन पकड़ेंगे, पर यहाँ पे इतनी गर्दी है आज कि हमें यहीं जाना पड़ा। और अब देखते अभी वहाँ तक कब पहुँचते। मैंने तो मैप पे एक एक चीज़ ढूंढ के मैंने मार्क भी की थी कि कौन सी चीज़ किधर है, कौन सा पवेलियन किधर है और हमें कहाँ जाना है, सब ब्लॉक हो गया। आई डोंट नो, अभी नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे वो। अभी तो जो मिल रहा, जहाँ मिल रहा वहाँ घुस जाए, ऐसा हो गया। प्लानिंग ऐसे करके आए थे कि जैसे ही एंटर करेंगे हम लोग ट्रेन पकड़ लेंगे और ट्रेन पकड़ के पहले इंडियन पेविलियन पे जाएंगे, बट जैसे ही उतरे यहाँ पे ट्रेन तो नज़र नहीं आई आसपास में, अलिफ पेविलियन नज़र आ गया, तो हमने सोचा चलो पहले अलिफ में ही हो लिया जाए और उसके बाद फिर कोई और पेविलियन चेकआउट किया जाए। गेट है पर इंडिया थोड़ा अंदर साइड है, तो वहाँ तक लोगों को पहुँचने टाइम लगेगा ना। ठीक है, बिन्निश की ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं और जाते हैं हम लोग अभी इंडियन पेविलियन की तरफ। एक ऑप्शन अच्छा है, आप लोग ऐप पे स्किप द क्यू वाला जो है वो कर सकते हो, बुक करके आओ तो तुम लोगों को एक वो फैसिलिटी मिल जाएगी कि तुम लोग अंदर चले जाओ, वरना अगर यहाँ पे आके बोलोगे कि यहाँ आके देखेंगे क्या करना है, तो इट्स वेरी बिग, वो नहीं हम कर सकते कि देखेंगे क्या करना है, नहीं तो वो करने के चक्कर में जो मेन है ना वो सारे रह जाएंगे। बट ये भी एक इशू है, अगर टाइम नहीं पता ना किस में कितना टाइम लगने वाला है, कोई भी पेविलियन का अगर बुक करके आते हैं ये टाइम पे हम लोग जाएंगे, बट वो टाइम तक वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता है बंदा, इतना दूर दूर है सब चीज़ें। तो अभी देखते हैं हम लोग ट्रेन लेके पहुँचते हैं। यहाँ पे वाईफाई है, फ्री वाईफाई जो एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। मैंने तो अभी तक कनेक्ट नहीं किया, मैं अभी तक अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ वाईफाई कनेक्ट करके। पता नहीं है, पिछली बार जब अफशीन ने उल्टी कर दी थी, अफशीन अंदर गई थी अफशीन को लेके, तो उस टाइम मैंने चेक कर लिया था और व्हाट्सएप कॉल्स एकदम स्मूथली और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ वर्क कर रहा था यहाँ पे बिना वीपीएन के। तो एक्सपो में यहाँ पे पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है,
कि व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह सब सारे फीचर्स इनेबल्ड हैं और आप इजीली अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव को कॉल करके यहाँ के नज़ारे दिखा सकते हो। क्या विनेश तुम्हारा जो झूठी बातें कर रहा, बोल रहा लिफ्ट नहीं काम कर रही, लिफ्ट तो काम कर रही है। पता नहीं होगा उसको, लगा लगा बेचारा काफी टाइम से वेट कर रहा था, उसे लगा लिफ्ट काम नहीं कर रही है, बट ये कर रही है और हम भी जा रहे हैं स्टैंप लेने। बहुत छोटा सा तुर्कमेनिस्तान, बहुत छोटा सा नहीं है, ये देख लो कार लाने के नतीजे क्या है, उसको तो चलना नहीं है, मुझे ऐसी कैरी करना पड़ रहा है। Electric bike produced by Ono Bikes company in Serbia. It is designed after Harley Davidson to give you the feeling of riding a Harley, but it's electric bike, so it's an ecological version. It can go as fast as 80 kilometers per hour, and it can go 100 kilometers without any charge. Thank you. And it costs around 40,000 euros. Okay. Thank you. You're welcome. Let's go. Finish. Let's go. Thank you. क्या विनिश क्या कर रही हो? बैठ गई, थक गई। इतनी थक गई? नहीं इतनी नहीं, चेयर दिखी तो बैठ गई बस। विनिश बस मौके ढूंढते रहती है आराम फरमाने के, विनिश को मौका मिल गया आराम करने के लिए। कह सकते हैं विनिश ये ऑइंटमेंट लोगी 309 दिरहम का है। क्या चीज का? कुछ तो भी ऑइंटमेंट है, लुकास पापा वे ऑइंटमेंट। लुकास पापा ऑइंटमेंट फॉर बॉयज ब्रूसेस बर्न बोरोलिन इज द बेस्ट। क्या कहा? बोरोलिन इज द बेस्ट। आई दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट माय ओन शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे पीछे आप गर्दी देख ही सकते हैं, आज छुट्टी होने की वजह से कितने लोग आ ही जा रहे हैं और आज बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। जो लोग बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं उनके लिए ये स्पोर्ट्स फिटनेस एंड वेलबींग हब ही है यहाँ पे। तो अगर वो जिम वगैरह जाते हैं, कुछ रेगुलर कुछ करते हैं, एंड इफ दे मिस आउट ऑन दिस डे जब वो यहाँ आ रहे हैं, सो दे कैन जस्ट विजिट हियर। Today. Look at the crowd, it's crazy out here today. और विनिश क्या कहना है, अभी तुम इंडियन पेविलियन की तरफ गई थी, क्या हुआ?
लगा दिया। इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है, वहाँ पे स्मार्ट क्यू वाला ऑप्शन भी नहीं चल रहा है। अब आई डोंट नो कब मौका मिलने वाला है वो इंडिया में जाने का, देखते हैं। वो 4 स्टोरी का है, फिर भी इतनी लंबी लाइन है कि वो 20 मिनट सिर्फ लिखा है वहाँ पे, 20 मिनट में भी नहीं जा रहा है वो। और आज एक्चुअली भीड़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भीड़ है आज। और यहाँ देखो पीछे अगर नजर आ रहा हो तो पीछे US का है, और US के पास भी भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है। US, जापान, इंडिया, सभी जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। जापान के बाहर तो बोर्ड लेके खड़े हुए हैं कि वेटिंग टाइम मिनिमम 3 आवर्स एंड मोर। सो हम वहाँ भी नहीं जा पाए, ना ही इंडिया जा पाए, ना ही US जा पा रहे हैं। तो अभी सोचा पार्क ही चले जाएं, पार्क में जाके देखते हैं। अफशिन सो रही है अभी फ़िलहाल, तो देखते हैं कबीर खेलेगा पार्क में। तो कबीर को इतनी जल्दी मची है जाने की, ये देखो। कबीर ने अच्छी नींद मारा, कबीर यहाँ सोने आया था। कबीर की नींद हो चुकी है, अफशिन सो रही है। अब शुक्र क्या हो बिन्निश, बड़ी टायर्ड लग रही हो। टायर्ड हो गई हूं। कैसे? अरे इसको लेके चलने। अरे चलो, बाहर सोलर रखा है उसका, उसमें बिठा देते हैं बेचारे को। चलो बिन्निश, क्या हुआ तुम्हें ट्रेन राइड नहीं मिली? मुझे ट्रेन राइड नहीं मिली, तुम्हें बैठना था ट्रेन में, मुझे नहीं। पर क्यों नहीं मिली, क्या हुआ? अरे वो कह रहे गर्दी बहुत है, इसलिए दे हैड टू स्टॉप इट। वो कल से वापस चलेंगी, आज तो कोई चांस नहीं है। लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी है यहाँ कि इनको अपनी ट्रेन सर्विस भी स्टॉप करनी पड़ गई है। मतलब जो भी चलने की जगह है वहाँ पे इतना क्राउड है कि ट्रेन मूव हो ही नहीं सकती है। तो उस वजह से इन लोगों ने ट्रेन स्टॉप कर दी है, ट्रेन सर्विस स्टॉप कर दी है। हमने सोचा था एक राउंड ट्रेन सर्विस का लेंगे, उसके बाद निकलेंगे, बट अभी ट्रेन सर्विस स्टॉप हो चुकी है। तो देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और कुछ, और फिर निकलते हैं। फिनिश जर्मनी बता रही है, लेकिन हर जगह इतना क्राउड है, इतना क्राउड है कि जाना इम्पॉसिबल है। मतलब वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे का वेट है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो कजाकिस्तान में चले गए थे वो कबीर की मेहरबानी। क्यों? क्योंकि हमारा कबीर इतना छोटा है और छोटे बच्चों के लिए एक अलग लाइन थी, तो हमें वहाँ पे भी 20 मिनट्स वेट करना पड़ा। लेकिन हम चले गए अंदर कजाकिस्तान में और वहाँ का शो एंजॉय कर लिया। तो सुबह में जल्दी आओ वही ठीक है, शाम होते होते तो इतना क्राउड हो जाता है कि कहीं भी एंटर करना, मतलब आप एक या दो ही एंटर कर सकते हो अगर आप शाम में 4-5 बजे तक आओगे तो बेहतर है, सुबह ही आओ। शो शाम में होते, कैसे निकाल रहे कबीर? देखो मेरे इयररिंग से पीछे ही आज। कबीर किसी का मास्क खींच रहा है, किसी की इयररिंग खींच रहा है। कबीर बहुत ही शरारत के मूड में है और बहुत मस्ती कर रहा है और मजे कर रहा है। वो अफशिन अपने मजे कर रही है। देख कहाँ जा रहे बेटा, वेयर आर यू गोइंग, आर यू टायर्ड, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट हैपेंड, आपकी सवारी कहाँ है? हाँ अशु, कबीर बोलेगा हमें तो छोड़ दो। डियर विजिटर्स, डू यू नीड हेल्प गेटिंग अराउंड द एक्सपो साइट? हॉप अबोर्ड द पीपल मूवर, एक्सपो 2020's फ्री इंटरनल शटल। There are stops at every entrance gate and park, and buses run regularly. Let's go! Let's go! No, no, see, let's go to the gate.
भाई बहन का प्यार देखो। स्लोली आज ना सेकेंड टाइम हुआ है हम लोग यूएई के सामने से जा रहे हैं पर यूएई के अंदर नहीं जा पाए। दैट इज बिकॉज हमको आज भी बुकिंग नहीं मिली उसकी, पर हम लोग कल से देख रहे हैं और कल से वो अवेलेबल नहीं था। वो तो इनफैक्ट पेज पे दिखा भी नहीं रहा यूएई को। देखते अभी कब जाने मिलता है, देखते अभी जर्मनी में जाने मिलता है। सो आज का सफ़र भी ख़त्म कर रहे हैं। अभी भी 7:30 बज रहे हैं बट इतना क्राउड हो चुका है कि अंदर कहीं भी जाना बहुत ही मुश्किल है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है घर पे जाके थोड़ा आराम कर लिया जाए। विनेश आज का एक्सपीरियंस क्या रहा? आज अच्छा घूमे पर आज बहुत भीड़ थी छुट्टी लेने की वजह से, तो बेटर होगा वीकडेज में आए छुट्टी के दिन ना आए सो दैट तुमको सारे पवेलियंस घूमने मिल जाए इजीली। पर लोग तो छुट्टी वाले दिन ही आते हैं, छुट्टी जिस दिन होती है उसी दिन आएंगे। किसी तरह कुछ मैनेज करके, क्योंकि अगर छुट्टी वाले दिन आओगे तो यू कैन नॉट कवर ऑल द पवेलियंस। ऑल द वैसे भी सारे पवेलियंस एक साथ नहीं कर सकते हो, बट जितने होने वाले रहेंगे उतने भी नहीं हो पाएंगे बिकॉज इतनी भीड़ है कि लिटरली चलने को जगह नहीं है। उन लोगों ने तो जो ट्रेन सर्विस है यहाँ पे एयर कॉम्प्रेस ट्रेन, वो भी उन लोगों ने बंद कर दी है बिकॉज लोग इतने हैं कि वो भी नहीं चल सकते। और ऊपर से हमारे पास ये दो बच्चे हैं, दो बच्चे जो इतना सताते हैं हम लोगों को कि आप क्या बताएं, हम लोग परेशान कर देते हैं बच्चे। क्या हो गया? वो क्यों स्क्रीन गई? वो स्क्रीन बंद हो गई है लेकिन रिकॉर्डिंग चालू, समझे? वो डिस्प्ले का सेटिंग मैंने किया है कि एक मिनट पे डिस्प्ले बंद हो जाए ताकि बैटरी बची रहे, और बैटरी बचाने के लिए ये देखो मुझे कैसे कैसे खींच रहा है ये बच्चा। इस कबीर ने आज बहुत ही हैरेस किया है सबको, बहुत परेशान किया है बच्चों ने। और आज हमको एक बहुत प्यारी न्यूज मिली, मेरे एक भाई को बेटा हुआ है एंड उसका फोटो भी आया, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मुबारक हो भाई भाभी दोनों। मिनिश ने अकेले अकेले देख ली, मुझे नहीं दिखाई फोटो। अच्छा मैं दिखाती हूँ अभी। तो चलो इसी बात पे फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे फिर कभी। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं फोटो देख रहा हूँ, बच्चा तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो बाय बाय।